करना नहीं भूलना। हाँ, इनको सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। ये हम पहुंच चुके हैं रामपुर, और फ्रेंड्स अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं, और ये देखिए आप रामपुर में अभी धूप निकल रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि सर्दियों में धूप बहुत कम आती है और गर्मी में गर्मी ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए आगे आगे जब दिसंबर जनवरी में यहाँ पे धूप बहुत कम देखने को मिलेगी आप लोगों की, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं सबसे पहले देखूँगी तुलसी वाला पौधा, तो चलिए देखते हैं। ओहो ये देखिए फ्रेंड्स जो ऊपर वाले हैं, और अब आप देख रहे होंगे ये न्यू ग्रो हो चुके हैं, और इसमें नमी तो देखो, और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें नमी है, और बॉटल भी, बॉटल को ऊपर रखा है। मेरे हस्बैंड परसों आए थे तो उन्होंने इस तरह से रख लिया, तो इसको मैं नीचे करती हूँ अभी। पता नहीं क्या क्या कर रखा है। और ये देखिए पानी अभी इतना रहा है इसमें, ये देखिए ये पानी इतना है, और अब देखिए अब रिस रहा है। और कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स जो ये इसकी टहनियाँ है ये भी ग्रीन हो जाएगी। एलोवेरा भी अच्छा है, और ये तो अभी रखा था यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स घर होता है ना, जैसे घर पहुँचते हैं तो अगर घर नीट एंड क्लीन मिले तो क्या मज़ा है। और मैं कर्टन हटा लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स ये अखरोट है, तो ये मेरे हस्बैंड ने लाए थे खरीद के। तो पेड़ से निकालने के बाद इनको सुखाना पड़ता है, तो हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे रखा था, और कर्टन तो चढ़ा था लेकिन हल्की हल्की धूप यहाँ से आती रहती है, तो मैं कर्टन हटा देती हूँ फिलहाल। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स हम रामपुर पहुंच चुके हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अचानक रामपुर क्यों आए। तो फ्रेंड्स जान लीजिए कि आज मैं अपने स्कूल को अटेंड करने वाली हूँ, यानी कि एक मीटिंग है, क्योंकि मार्च में लॉकडाउन लग गया था तो उसकी वजह से मैं घर चले गई थी, और फिर थोड़ी अस्वस्थ भी थी, और जो दूसरी प्रीवियस मीटिंग्स थी वो मैं अटेंड नहीं कर पाई। तो अब मैं थोड़ी ठीक हो चुकी हूँ और मैं आज की मीटिंग अटेंड करने वाली हूँ, तो मैं आपको भी ले चलती हूँ अपने स्कूल। और अगर मौका मिले मीटिंग्स में मुझे क्लिप्स कैप्चर करने का, तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी। तो फिलहाल चलते हैं अपने स्कूल, तो मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। फ्रेंड्स अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं, और मैं स्कूल के लिए निकल पड़ी हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे स्कूल की और मेरे घर की दूरी लगभग 300 मीटर की होगी। और फ्रेंड्स ये देखिए स्कूल बंद होने के कारण और लॉकडाउन के कारण यहाँ पूरा का पूरा जो भी मोहल्ला है वो सूना दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ जब हम स्कूल को आते जाते हैं तो यहाँ पेरेंट्स आते जाते रहते हैं और जाते रहते हैं इस रोड में, लेकिन अभी बिल्कुल ही सूना पड़ रहा है, इवन घर में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स जो ये मोड़ है यहाँ पे टर्न होगा हमारे स्कूल की तरफ, तो यहाँ से एक पहाड़ है जो हमारे घर के पास ही है, यानी कि हमारा जो ये वाला एरिया है इसके पास ही, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये वाला पहाड़, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ इसे ज़रूर कैप्चर करती हूँ। तो अब बढ़ती हूँ मैं अपने स्कूल की तरफ, और ये रहा मेरी लेफ्ट साइड हमारा स्कूल 3 मंजिला। हाय हेलो मैम, एंट्रेंस गेट
या मैम यू आर लुकिंग सो प्रिटी। तो फ्रेंड्स ये देखिए कोरोना ने हमें कितना दूर कर दिया है कि हम अपने कुलीग से या अपनों से गले तक नहीं मिल सकते हैं और ना ही शेक हैंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मुझे बहुत खुशी हो रही है 6 महीने के बाद अपने स्कूल को अटेंड करते हुए और अपने कुलीग से मिलते हुए। तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब आप इतने लंबे अंतराल के बाद अपनों से मिलते हैं और अपने खासकर अपने स्टूडेंट्स से मिलते हैं। सभी से तो नहीं लेकिन यहाँ कुछ कुछ बच्चे आए हैं जिन्होंने टीचर से सवाल जवाब करने हैं और तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो कुलीग हैं तो अब चलते हैं ऑफिस की तरफ जहाँ मैं बैठा करती हूँ। तो ये देखिए ये सारे टीचर्स यहाँ पहले से ही मौजूद थे और जो पीछे एग्ज़ाम हुए थे तो सभी टीचर्स उन एग्ज़ाम आंसर शीट चेक करके स्कूल लेके आए हैं। सभी अपने अपने में बिजी हैं और ये मैं हूँ। और फ्रेंड्स ऑफिस के हालात इतने अच्छे नहीं है, हर एक सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि अभी पेपर चेक हुए हैं तो टेबल पे पेपर हैं, कुछ पानी की बॉटल्स हैं। और मेरे पीछे ये देखिए मैंने जो 12:30 बजे तक मैप बनाया था वो मैंने अपनी चेयर के पीछे लगा के रखा है। और ये देखिए और ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो सर हैं टीचर जा रहे हैं और सर उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये BSc सर हैं और ये मैं हूँ और मैं भी जाने की तैयारी में हूँ। इवन यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने पिछले साल मार्च में लिए थे कुछ स्टूडेंट्स के साथ और कुछ स्टाफ के साथ। और ये देखिए स्टूडेंट्स के साथ मैं, सर और एक अंजू मैम है और ये हम सारे हैं इस फोटोज़ में। पूरा ग्रुप पोज है, सभी स्टाफ का अटेंडेंट हैं, प्रिंसिपल सर हैं, MT सर हैं। और मैं इन फ़ोटोज़ को घर ले जाने के लिए पैक कर रही हूँ अभी। तो इसके बाद हम चलेंगे मैम के पास क्योंकि मैम ने हमें बुलाया था। और ये है हमारा स्कूल का छोटा सा हिस्सा तो हम जा रहे हैं मैम के पास। God bless you. ये देखिए स्टूडेंट्स आपका नाम क्या है? प्रिशा चौहान। वहाँ बोलो। प्रिशा चौहान। और ये वो नॉटी गर्ल है। और आप? आर्या। और ये क्या हुआ आर्या? रॉयल है। ओह माय गॉड, इसको बर्थडे ने खाया है। और ये है कृतिका। हाय। और ये है पीयूष। ये 9th में है ना पीयूष? आप है 6th में। ठीक है, आप कैसे हैं? ये भी आप बोलो। और ये मैम है। अब जा रही है ना, मैंने चॉकलेट लाई है। और आर्या, आर्या आ जाओ, चॉकलेट लाया है प्रिशा आपको भी। और आपने ना कृतिका दीदी को देना। थैंक यू। और आपने किसको देना? कृतिका दीदी को। अंदर रख जाओ। तो फ्रेंड्स हम पूछते हैं अपने स्टूडेंट को, सबसे पहले कौन बोलेगा? मैम आर्या। आर्या बोलेगा ना। आर्या आपने इस बारे ना लॉकडाउन में क्या क्या किया? पढ़ाई की, खेला कूदा। और क्या किया? घूमे नहीं? घूमा, घर गया, बाहर गया। घर में कुछ काम किया? हाँ जी। क्या काम किया? घर में दादी के साथ खेत गया था। दादी के साथ खेत गए थे? जोर से बोलना है तभी यहाँ साउंड आएगी। दादी के साथ खेत गया था। और खेत में क्या किया? कुछ नहीं, घास काटा। घास काटा, अच्छा। और प्रिशा, प्रिशा आप कहाँ थे लॉकडाउन में? मैं गांव में। गांव में थे, क्या किया गांव में आपने? गांव में पढ़ाई की और खेला और कूदा और खेत गई। हाँ? और
पहले टॉप खेत में गई ऊपर। कौन सा टॉप खेत? सबसे टॉप खेत कोटला। अच्छा, कोटला। अच्छा, और क्या किया वहाँ पे? वहाँ पे तो ऐसे ही। अच्छा, हाँ, मज़े कहाँ होते हैं? स्कूल में मज़े होते हैं या घर में? स्कूल में। स्कूल में क्यों? फ्रेंड भी तो होते हैं। अच्छा अच्छा, फ्रेंड होते हैं। और अब बारी आती है कृतिका। कृतिका, आप लॉकडाउन में यहाँ थे या घर के थे? जोर से बोलो कृतिका। घर में क्या किया? और खेले आप? अच्छा, और शरारत भी की? पीयूष ने की होगी, है ना? और फ्रेंड्स, ये दोनों भाई और बहन हैं, ये आनी के हैं और यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। और पीयूष, आपने क्या किया? पढ़ाई की, खेले खेले और काम किया। मामा के साथ काम किया ना? कौन सा काम किया? स्प्रे किया। अच्छा, स्प्रे की और सेब भी निकाले और मज़े किए। और मैम पूछ रहे हैं कि नॉर्मल पानी लेंगे, तो मैं नॉर्मल ही पानी लूंगी। और आर्या कूद रहे हैं। आर्या, मेरे चैनल को कौन कौन देखता है? मैं। आप देखते हो? आर्या आप देखते हो? कृति का पीयूष आप भी देखते हो? कब देखा आपने? हाँ, यहाँ पे बोलना है कि मैम को, मैम के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो। करो जल्दी से जल्दी। ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, बढ़िया बोलो, यहाँ बोलो। मैम के चैनल को बोलो, मैम के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं बोलो करना नहीं। हाँ। और कृतिका आप भी बोलो। और ये है पूर्णिमा मैम, ये भी एक टीचर है लेकिन इन्होंने स्कूल क्विट कर दिया है और ये घर पे ही ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये हमारे टेनेंट हैं। तो कुछ न्यू रामपुर में? रामपुर में नया तो नहीं, पर हम जरूर नए हुए। हाँ, अनुभव हुए। हाँ, ये तो है। खैर, अनुभव तो नए हुए हैं। जीवन जो है वो परिवर्तनशील है ना, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है जीवन पे, अगर उनका डट के सामना करें। हाँ, तो और जैसे ये साल भी बीती चुकी है आती ना, बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है इस लॉकडाउन में, काफ़ी सीखने को मिला। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं पहुंच गई हूं अपने घर और अभी शाम का टाइम हुआ है। एक्चुअली मैं मैम के पास बैठी थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की वीडियो मैं क्लोज करती हूं। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।